नमस्कार, मैं प्रेरणा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैक्रोनी। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। ये बच्चों के लिए टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। इसके लिए आपको चाहिए मैक्रोनी, ले लीजिए आप 180 ग्राम्स मैक्रोनी है ये। इसको आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये बॉईल हो गया है। ये रख लीजिए आप। एक मीडियम साइज़ का आलू ले लीजिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लीजिए। दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिए, इसे भी एकदम फाइनली चॉप कर लीजिए। और दो मीडियम साइज़ के टमाटर, उसमें 4-5 टुकड़े आप लहसुन के ले लीजिए और इन्हें अच्छे से पीस लीजिए। इस तरीके से टमाटो प्यूरी बना लीजिए। नमक ले लीजिए स्वाद अनुसार। ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए आप, थोड़ा सा कूटा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मोज़रेला चीज़ ले लीजिए, इसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लीजिए। दो बड़े चम्मच आप टमाटो सॉस भी ले लीजिए। आइए अब हम इसे बनाते हैं। अब एकदम हाई फ्लेम में, तेज़ आंच में आप पानी गर्म करने के लिए रखिए। पानी इसमें 3 ग्लास पानी डालिए और 2 चम्मच आप इसमें नमक डालिए। नमक डाल दीजिए। अब इसका उबलने का वेट करें। ये देखिए पानी अब बॉयल हो चुका है। अब इसमें आप मैक्रोनी डाल दीजिए और मैक्रोनी को इस तरीके से मिक्स करिए और बीच बीच में आप इसको ऐसे चलाते रहिए कि कहीं नीचे की तरफ से चिपक ना जाए। ये देखिए इस तरीके से ये बॉयल हो चुका है। ध्यान दीजिए कि पानी इतना इसमें हो कि ये पूरे मैक्रोनी पानी के अंदर इस तरीके से डूबे हों, नहीं तो हो सकता है कि ऊपर वाले आपके कच्चे रह जाएं मैक्रोनी और नीचे वाले आपके पक जाएं। और इनको इस तरीके से हिलाते भी रहिए कि ये हर तरफ से अच्छे से सारे मैक्रोनी इसमें पक सके। ये देखिए अब ये बॉयल हो चुके हैं पूरे, पक चुके हैं। गैस में एक पैन चढ़ा लीजिए और उसे थोड़ा गर्म होने दीजिए। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आप ऑयल डालिए। मैं इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा ऑयल गर्म होने का वेट करिए। ऑयल गर्म हो जाता है तो इसमें आप ये जो आपने प्याज काट के डाले थे ये डाल दीजिए। इसको इस तरीके से चलाते हुए इसे पकाते रहिए जब तक ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। इसे बिल्कुल भी गोल्डन कलर का मत होने दीजिएगा, सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट सा लगने लगे बस उतना ही पकाना है। ये देखिए इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। अब इसमें आप टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। टमाटो प्यूरी को आप आधा मिनट तक इसे थोड़ा सा हिलाते हुए पकाइए। अब आधा मिनट होने के बाद इसमें आप ये जो आपने आलू काट के रखे थे ये भी इसमें आप डाल दीजिए। अब इसमें आप नमक डाल दीजिए। ये कम से कम 3 मिनट के लिए इसे ढक के रख दीजिए एकदम धीमी आंच में। ये कि आलू पक गए हों, आलू हल्के पक चुके हैं लेकिन अभी भी थोड़े से पकने बाकी हैं, तो इसे आप बिल्कुल धीमी आंच में फिर से ढक के रख दीजिए। देखिए आप फिर से चेक करिए, अब आलू बिल्कुल इसमें हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब इसमें आप जो मैंने आपको कहा था 2 टेबलस्पून सॉस डाल दीजिए, टमाटो सॉस।
नमक आप इसमें थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि टमाटो सॉस भी आप डालेंगे उसमें भी नमक होता है, और मैक्रोनी को भी आपने गर्म करते टाइम जब उसे पकाया है मैक्रोनी को उसमें भी आपने नमक डाला है, तो अंदाजे से आप सही नमक डालिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं नमक आपके इसमें ज़्यादा हो जाए। ये देखिए अब ये आलू पक चुके हैं। अब आप अपने गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए, इसमें आप मैक्रोनी डाल दीजिए। इसमें जो आपने काली मिर्च का पाउडर रखा था ये भी पूरा डाल दीजिए। इसे आपस में मिक्स कर दीजिए अच्छे से। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। इसमें आप आधा जो आपने चीज़ रखा था वो इसमें आधा चीज़ डाल दीजिए। इसे मिक्स करिए। कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक आप इसे चलाते हुए पकाते रहिए। ये देखिए इस तरीके से ये पक चुका है। अब इसमें आपका जो बचा हुआ चीज़ था वो आप इसको ऊपर से डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से डाल दिया है। अब आप गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।